सो है गाइज, आज इस वीडियो में यार हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं रियलमी 5i फ़ोन का। काफ़ी सारे लोगों को डाउट है इसके कैमरे को लेकर कि क्या इसका कैमरा अच्छा है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में यार हम जो है कैमरा का फुल स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, स्लो मोशन देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो नेसेसरी ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कैमरा ऑन कर लेते हैं। कैमरा ऑन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ मूड आया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो है, फोटो रेशियो को आप लोगों को फुल स्क्रीन हमेशा रख लेना। फुल स्क्रीन से क्या होगा कि काफ़ी सारे एरिया को आप लोग कैप्चर कर पाएंगे। टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हैं, अगर ट्राइपॉड वगैरह पर रखकर शूट कर रहे हैं तो टाइमर सेट कर दीजिए तो काफ़ी अच्छी फोटोज़ आ जाएगी। ग्रिड लाइंस वगैरह को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फोटो को मैं एक रैंडमली कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। तो कभी भी यार आप फोटो को क्लिक करें तो आप एक बार टैप करे रहिए यहाँ पर। टैप करने से क्या होगा, जो फोटो फोकस है वो लॉक हो जाएगा। फोटो फोकस लॉक होने के बाद यार अगर आपका फ़ोन हिलता भी है ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस कर लेगा एंड दैट्स आपको कोई भी इशू जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो फोटो फोकस जैसे ही लॉक हो गया है तो यहाँ पर यार मैं एक बार टैप कर लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक बार इस पर फोटो फोकस पर टैप करके क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ तो देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो काफ़ी ही कलर बूस्टिंग वाला आया है और कोई भी यार इशू यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला है। जूमिंग भी काफ़ी अच्छा है, जूमिंग में भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से जो है आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे सैम्पल्स इसके जो है वो बैक कैमरा के शो होते होंगे, तो इन सारे सैम्पल्स को आप देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोटो क्वालिटी इसकी कैसी है और फ़ोटो कैसा आता है इस फ़ोन के अंदर से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पोर्ट्रेट मोड्स का। तो यहाँ पर यार फोटो में मैं एक और लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कैमरा को लेकर कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। तो इस पर मैंने टैप किया और क्लिक कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो जो है वो आ चुकी है एंड दैट्स जो कलर बूस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यार इस फ़ोन के अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आपको बेसिकली जब भी फ़ोटो क्लिक कीजिए तो आप इसे ऑन कर लीजिए तो फ़ोटो का जो कलर है थोड़ा ज़्यादा पंची कलर आएगा एंड दैट्स आपकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। पोर्ट्रेट मोड्स के अंदर में आते हैं तो रैंडमली मान लीजिए मैं एक कोई सा भी यार फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ और इसे जो है थोड़ा सा रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्लिक किया कैप्चर। तो फ़ोटो को आप देख सकते हैं कि फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है एंड दैट्स ब्लरिंग इफेक्ट भी पीछे का ठीक ठाक ही लगा है और कुछ एक्स्ट्रा सैंपल्स भी जो है मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो ये जो अभी आप सैंपल्स देख रहे हैं ये इसके बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में लिए गए हैं। थोड़ा बहुत यार डे लाइट्स में जो है वो फेस के चारों बगल जो है एजिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो फिर भी यार फॉर दिस प्राइस रेंज आप इसे कंसिडर्ड करना चाहेंगे या नहीं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर इसके पोर्ट्रेट मोड्स की तो चलिए बात हो गई, अब चले आते हैं वीडियो मोड के अंदर में। तो यहाँ पर जो है आपको जो है बैक कैमरा से 4K तक का वीडियो शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब सैंपल जो कि इसी कैमरा से शूट की गई है 4K में। तो अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसी कैमरा के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है जो कि 4K में शूट हो रही है। तो आप वीडियो की क्वालिटी देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। यहाँ पर दोस्तों आप 4K वीडियो को जो है वाइड एंगल्स में भी शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिल जाता है तो 4K वीडियो को आप वाइड एंगल में शूट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और यहाँ से अगर आप 1080p में शूट कर रहे हैं या फिर 4K में शूट कर रहे हैं वो सेटिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जूमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, 2x जूम, 5x जूम तक का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से जूमिंग को भी कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 1080p का मिलता है, तो चलिए फ्रंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइज ये जो वीडियो शूट हो रही है ये इसी रियलमी 5i के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p में। तो वीडियो की क्वालिटी को देख कर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यार फॉर दिस प्राइस रेंज ये क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, ना उतना ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा इसे और ना उतना ज़्यादा ख़राब बोलूँगा, मीडियम में है, अच्छा है, तो आप इसे कंसिडर्ड कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है। और ये मैं विदाउट गिम्बल के शूट कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। सो गाइज़ आपने फ्रंट कैमरा की भी वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली है और फ्रंट कैमरा की कुछ फ़ोटो सैम्पल्स भी जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि सेल्फी इसका किस तरीके का आता है। सो गाइज़ ये जो आपको सैंपल अभी दिख रहे हैं ये इसी रियलमी 5i फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई है और ये भी एक सैंपल्स है जो फ्रंट कैमरा से ली गई है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है,
तो यार इसकी जो सेल्फी है मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा आता है, मुझे फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पोर्ट्रेट मोड्स भी ठीक ठाक ही आ जाते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सैम्पल्स कैसे लगे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि नाइन स्केप मोड में आता है पैनोरमा, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा शॉट लेना चाहते हो, थोड़ा वाइड शॉट, तो पैनोरमा का ऑप्शन है। एक्सपर्ट मोड के अंदर में अगर आप लोग जाते हो तो एक्सपर्ट फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि यार अगर आप कभी भी फोटो क्लिक कर रहे हो ना, तो एक्सपर्ट मोड से अगर आप फोटो क्लिक करते हो अपने हिसाब से सेट करके, तो फोटो के जो सेचुरेशंस और जो एजिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। मेनली जो फोटोग्राफर होते हैं वो जो है एक्सपर्ट मोड या फिर मैनुअली जो है अपना सेट करके ही कैप्चर करते हैं। टाइम लैप्स भी आप इसमें बना सकते हैं और स्लो मोशंस का भी ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्लो मोशंस के कुछ सैम्पल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो गाइज अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इसी रियलमी 5i से ली गई है स्लो मोशन में। सुपर स्लो मोशन ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक ठाक स्लो मोशन जो है कैप्चर कर सकता है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा सैम्पल देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सैम्पल स्लो मोशन इसी फ़ोन के डाल रखे हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा मैक्रो का भी ऑप्शंस मिल जाता है, यानी कि आप देख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर के नज़दीक में अगर आप किसी चीज़ को रखते हो तो उससे भी यार फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो काफ़ी आसानी से और कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए मैं जो है यहाँ पर जो है एक फ्लावर को जो है नज़दीक में रखता हूँ और यहाँ से मैं काफ़ी नज़दीक करके जो है मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। काफ़ी नज़दीक मैंने कैमरे को कर दिया है, 4 सेंटीमीटर के आसपास रखना है। तो इस पर यार मैंने आपको जैसा बताया कि लॉक ज़रूर कर लेना है ताकि जो फोटो है वो काफ़ी ही अच्छा है और कोई भी दिक्कत या इशू देखने को ना मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेचुरेशंस भी काफ़ी अच्छा आया, फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अगर आप थोड़ा यार और अच्छी तरीके से फ़ोटो शूट करते हो इस फ़ोन से, तो मैक्रो फोटोग्राफी यार इस प्राइस रेंज में आपको मैक्रो फोटोग्राफी मिल रही है। देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक से आप फोटो या फिर किसी भी लीफ को जो है शूट कर सकते हो और आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने टैप किया और फ़ोटो क्लिक कर लिया। तो इस तरीके से जो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं तो आप यार इस्तेमाल कर सकते हैं और फोटो क्वालिटी से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। मैं इसके कैमरे को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा, एक मीडियम कैमरा है, 9000 की प्राइस रेंज में रियलमी ने रखा। तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो अल्ट्रा मैक्रो की तो हो गई बात, अब चलिए आइए नाइट की तरफ। तो नाइट में भी यार नाइट मोड आप फोटो अगर क्लिक करना चाहते हो तो नाइट मोड में भी फोटो क्लिक कर सकते हो। एक चीज़ मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि जब भी यार आप जो है मैक्रो में फोटो वगैरह शूट कर रहे हो ना, तो SDR मोड को जो है बेसिकली ऑफ कर लेना। SDR मोड को ऑफ करने के बाद मैक्रो शॉट्स लेना, वो और भी ज़्यादा प्यारे आएंगे। और फोटो के अंदर में यार तो आप काफ़ी आसानी से फोटो तो क्लिक कर ही सकते हो, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है फिल्टर्स वगैरह के भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो यहाँ से फिल्टर्स वगैरह को जो है चेंज कर सकते हो। तो इससे जो आपकी कलर बूस्टिंग्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो है नेचुरल से भी ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी आसानी से क्लिक कर सकते हो और आपकी जो फ़ोटो है वो काफ़ी ही अच्छा आएगा और कलर बूस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ से आप फोटो को एडिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही यहाँ पर टैप करना और क्रॉप रोटेशंस वगैरह का ऑप्शंस मिल जाता है, फिल्टर्स वगैरह का ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाता है, स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ से आप, और डूडल्स वगैरह का भी ऑप्शंस, ब्यूटी टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हो, ब्लर डाल सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसी के कैमरा के अंदर में मिल जाते हैं। फेस ब्यूटी का भी ऑप्शंस आपको मिलता है, तो अगर आप फेस ब्यूटी को जो है ऑन कर लेते हो तो अपने अकॉर्डिंग यार सेट कर सकते हो। इससे जो है आपकी फेस की जो ग्लोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी और स्मूथ फोटो क्लिक करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो दोस्तों आप मुझे यार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रियलमी 5i का जो है कैमरा कैसा लगा। मुझे यार काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर यार आपको चार कैमरा देखने को मिलता है। पहला जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, बोल सकते हैं पोर्ट्रेट आप, या फिर 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो लास्ट कैमरा दिया गया है वो है दोस्तों मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है f2.0 अपर्चर के साथ में, जो 1080p 30 FPS तक शूट कर सकता है। स्लो मोशंस आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कैमरा, ये फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।